दोस्तों बहुत सारे मोबाइल नंबर हमारे पास रहते हैं और आपके भी पास रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं रहता है कौन सा मोबाइल नंबर किस बैंक के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने जाते हैं या एटीएम का पिन बनाना चाहते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है बैंक से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फाइनली बताने वाले हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपका किस बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है onlinesbi.com। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तब पर भी जान सकते, यहाँ पे एक लॉगिन बटन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेज है यूज़र नेम पासवर्ड वाला, अगर ये आपको नहीं है तब पर भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं आपके बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो इस पेज को ऊपर करेंगे और ऊपर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कंप्लेंट का, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहला जो कॉलम है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से दूसरा कॉलम को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपका यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है उसका लास्ट का 5 अंक यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ या लिंक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही आसान प्रोसेस है जिनसे आप पता कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो आई होप ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।